आप देखना शुरू कर चुके हैं माई विलेज प्रेस। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मेव और हिंदुओं की पाल और गौतों के आपसी ताल्लुकात के बारे में। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। महमूद गजनवी के बाद मेव कौम इस्लाम में दाखिल हो गई और फिर मेवों की बलबन से लड़ाई शुरू हुई तो इस कौम ने अपने सरदार राव काकू राणा की सरपरस्ती में इस इलाके के तमाम सरदारों को बुलाकर सुमार बंदी करवाई और अपने किसी सरदार या गिरोह के नाम पर अपनी पाल और गौत का नाम रखा। सुमार बंदी करते वक्त बहुत एहतियादी बरती गई। अगर किसी गिरोह या सरदार का ढाई गांव था तो उसे अलग किया गया। किसी के भी साथ एक दूसरे के गांव नहीं जोड़े गए। गिनती के बाद हर गांव और सरदार का फैसला किया जाता कि ये किस नस्ल से है और मौजूदा वक्त में इसका ताल्लुकात किस सरदार या राजा की नस्ल से है। काफी वक्त के बाद लोग जब इन्हीं कबीलों से इस्लाम में दाखिल हुए तो वो लोग भी वापस इन्हीं कबीलों में शामिल होने आए तो उनको शामिल ना करके उसी पाल की अलग गौत का दर्जा देकर शामिल किया। यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात ये है कि इस इलाके में हिंदू और मुसलमानों की अलग अलग पाल नहीं बनाई, बल्कि जो खानदान या कबीला किसी एक नस्ल से था, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उन सबको एक ही पाल में गिना जाता था। इसी तरह मेवात में सरदारों के नाम पर पालें बांटी गई। जैसे दोहल की पाल को दूलौत, राणा बालौत की पाल को बालौत नाम दिया गया। सन 1246 से लेकर सन 1266 तक नासिरुद्दीन महमूद की हुकूमत के वक्त की हिस्ट्री पढ़ने से मालूम चलता है कि जिस वक्त राव काकू राणा ने पाल बांटी थी उस वक्त इन मेवाती मेवों के अलावा काफी तादाद में मेव पंजाब, यूपी, राजपूताना, मालवा और इंडिया के निचले यानी साउथ वाले हिस्से में जाकर बस चुके थे। मेवात की मेव जाति आज से लगभग 700 साल पहले 2500 से ज्यादा गांवों, कस्बों और शहरों में आबाद थी। वक्त और सियासी माहौल के बदलाव की वजह से ये कौम हिंदुस्तान के काफी हिस्सों में फैल गई। रही सही कसर आजादी के बंटवारे ने पूरी कर दी और मेव कौम की बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान चली गई। इस वजह से मेव कौम की आबादी बहुत कम हो गई और बहुत सारे गांव तो बिल्कुल खाली और वीरान हो गए थे। मेवात के कुछ गांवों के लोग यूपी, मध्य प्रदेश, मालवा और राजपूताना के इलाके में जाकर बस गए। उनके पुराने गांव आज भी मेवात में मौजूद हैं। दोस्तों, हम अगली वीडियो में मेव कौम के सिजरा, गौत पाल वंश और पालों के गांवों के बारे में जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेव और हिंदुओं की पालों के बारे में कुछ अहम जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बताई गई जानकारी खूब पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।